पुणी ताति करिब कलबल किछि दिनर कोहला पाग परे पारद उपरमुहा हेबार पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। पणा संक्रांति ठारु ताति बढ़िब, केतेक स्थानरे तापमात्रा 43 डिग्री पहुँचिबा नै आकलन करा जाइछि। एहाकु नै येलो वार्निंग मध्य जारी करा जाइछि। 15 तारीख परठारु तापमात्रा बढ़ी बढ़ी चलिब, तेबे 18 तारीख बेलकु असह्य हेब गरम। 18 तारीख बेलकु राजधानीर तापमात्रा 43 डिग्री छुई पारे। ते पण संक्रांति परठारु तापमात्रा रे वृद्धि हेबाने पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। उपांतर उपकूल सबुठी ग्रीष्म प्रवाह नै सतर्क मध्य करा जाइछि। 17 रु 20 तारीख मध्य रे स्थिति असंभाल हो पारे। आभ्यंतरण ओडिशार किछि स्थान रे 45 डिग्री पारद छुई पारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जाइछि। तेबे किछि दिनर आश्वस्ति परे पुणी थरे ताती लोकंकु कलबल करिब। पुणि थरे दिनर तापमात्रा वृद्धि पाइबा सहित रातिर तापमात्रा मध्य वृद्धि पाइबा, फळरे लोके गरम रे छटपट हेबे। एने पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना मध्य जारी करा जाइछि जे पणा संक्रांति ठारु ही ताति बढ़िब, उपांतर उपकूल सबुठी ग्रीष्म प्रवाह हेब बोली कहुछि। एमितिकि 17 रु 20 मध्य स्थिति अति असंभाल हो पारे बोली मध्य सतर्क करा जाइछि। तेबे आभ्यंतरण ओडिशार किछि स्थान रे 45 डिग्री पारद छुईबा नै आशंका रहिछि। आम प्रतिनिधि मनीषा जोड़ी होती। मनीषा, आम देखुल पाग कोहला रोला गत 2-3 दिन टिके सामयिक भाव आश्वस्ति लोक मिलता, किंतु आज देखे खरा केमती बढ़ी कौन पणा संक्रांति पर 43-45 डिग्री पारद छुई पारे। देखंतु लिपि, गत 2-3 दिन हेबा आपण देखुथिले राज्य रे पाग टिके कोहला रहितिला एवं जहां रेकर्ड मध्य करा जायतिला गत 2 दिन तले ताहा सर्वनिम्न तापमात्रा बोली एप्रिल मासर सर्वनिम्न तापमात्रा प्राय 72 वर्ष रे हेतिला, सबुठारु ठंडा दिन बोली परिगणित हेतिला। राज्यर किछि जिल्ला रे सेहिभली भाबरे कम तापमात्रा रेकर्ड करा जायतिला। किछि किछि स्थान रे खास करके आभ्यंतरण ओडिसा रे जदि आमे देखिबा तापमात्रा स्वाभाविक ठारु 13 डिग्री पर्यंत तळकु खसीतिला। तेणु राज्य रे गोटे प्रकार रो ठंडा माहौल रहितिला। जेहिभली भाबरे तातीर सामना करथिला राज्य पाखापाखि 43 डिग्री तापमात्रा पर्यंत छुईला, से तातीर सामान्य आश्वस्त मिलता लोक 2-3 दिन पर्यंत। किंतु जहां पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन रही आज धीरे धीरे तापमात्रा बढ़िबो एवं 17 रु 20 तारीख पर्यंत जो तापमात्रा देखा मिले राज्य में ताहा मार्च मास शेष सप्ताह एवं एप्रिल मास प्रथम सप्ताह जो भाई ताति आपण माने अनुभव करुथिले, समस्ते अनुभव करुथिले, राज्यवासी अनुभव करुथिले, सही भाई ताति देखा मिले 17 रु 20 तारीख पर्यंत। सही समय पीक आवर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष घोषणा कर 11 रु दिन 3 पर्यंत तापमात्रा अधिक रहिबो। आभ्यंतरण ओडिशा जो जगार तापमात्रा 13 डिग्री स्वाभाविक ठारु 13 डिग्री पर्यंत कमी से सब जगार तापमात्रा 15 डिग्री उपरकु जाईपे। हाराहारी तापमात्रा जदि देखा राज्य विभिन्न जिले में 5-6 डिग्री पर्यंत वृद्धि होपे। तेणु तापमात्रा 43-45 डिग्री पर्यंत छुई पारे बोली जहां पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन रही, जहां निश्चित भाव में गोटे अस्वास्थ्यकर परिवेश सृष्टि कर। कारण हठात देखु आप पागरे परिवर्तन घटू, तापमात्रा 13 डिग्री तलकु खसी जा स्वाभाविक ठार्, हठात ताति में वृद्धि होपमात्रा 15-18 डिग्री पर्यंत वृद्धि पावर संभावना देखा। तेणु यह गोटे अस्वास्थ्यकर परिवेश सृष्टि करने नहीं जहां पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सतर्क कर लोकों यही समय घर न बाहर कहुई, जो अत्यधिक आवश्यक काम न घर न बाहर कहुई। कारण सीधा सड़क जदि सूर्यकिरण से समय आप देहर पड़ी ता स्वास्थ्य हानिकारक, खास करके छोट पिला कथ कहतु, वयस्क व्यक्ति कथ कहतु, गर्भवती महिला कथ कहतु, कि रोगी कथ कहतु, ये समस्ते यहाँ प्रभावित हे। तेणु ए समय टी सतर्क रहा कहुच्छे। एवं 15 तारीख पर 14 तारीख पर देखा तेज ग्रीष्म प्रवाह राज्य में आरंभ हो जाए। आभ्यंतरण ओडिशा और उपकूल ओडिशा ग्रीष्म प्रवाह जारी रहा सहित 15 तारीख पर देखा खास करके उपकूल ओडिशा रे ग्रीष्म प्रवाह सहित आद्रता मध्य रहिबो, जहां फळरे गोटे गुळगुळी एवं गरम रो पाणीपाग अनुभूत हेबो, जहाँ आम उष्म आद्र पाणीपाग बोली कहउछंती। निश्चित पक्षे स्वास्थ्य पई मध्य हानिकारक रहउछे। तेणु ए सबु दिगकु नै पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना दिया जाइछि। जेमळे भाबरे पागरे परिवर्तन होउछि, हठात पाग ठंडा होउछि, हठात पाग गरम होउछि, एवं तापमात्रा मे मास पहिलारु जदि मे मास द्वितीय सप्ताह एप्रिल मास द्वितीय सप्ताह जदि देखिबा तबे उपर मुहा रहिबो पारद
17-20 ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ଅସମ୍ଭାଳ ରହିବ, ସାଂଘାତିକ ରହିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଲିପି ନିହତ ରୂପେ ମନୀଷା ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ।